शिवा एक बार बाबा जी के पास जाता है क्योंकि शिवा और उसके घर वालों को रेवा चुड़ैल बहुत परेशान कर रही थी। शिवा बाबा जी के पास जाकर बताता है कि रेवा चुड़ैल पूरे घर को परेशान करती है और उसके ऊपर किसी भी जादू और झाड़ फूक का असर नहीं होता है। तो बाबा जी शिवा को एक जादू देते हैं जिसकी मदद से शिवा रेवा चुड़ैल को मारकर भगा सकता है। अब शिवा अपने घर में आ जाता है। जैसे ही रात होती है रेवा चुड़ैल शिवा के घर पर आ जाती है, घर का सारा सामान उठा उठा कर फेंकने लगती है। अब शिवा रेवा चुड़ैल से बोलता है, तेरा खेल खत्म नालायक चुड़ैल। तो चुड़ैल हंसकर बोलती है, पिद्दी सा शिवा तू मुझे क्या मारेगा। तभी शिवा बाबा जी का जादू रेवा चुड़ैल पर डाल देता है। वो चुड़ैल वहीं पर चिल्लाने लगती है और फड़फड़ाने लगती है और वो धीमे धीमे छोटी हो जाती है। अब शिवा हंस हंसकर रेवा चुड़ैल की मौज लेता है और उसे एक बोतल में बंद कर देता है और उस चुड़ैल को अपने घर से दूर ले जाकर बाबा जी को दे देता है। कार्टून पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।